दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 15 मई 2020, शाम के कोई 8:20 हो रहे हैं। अभी अभी वो देवी संदेश आया है, उसने कहा मंगल ये बोलो। ठीक है भाई, आज का हमारा विषय है, मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं भारत का बादशाह हूँ, जल्दी मुझे सुनो। देखिए, मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैं बोलने वाला एक अलग सिंपल सा आदमी हूँ, और ये कोई देवी सत्ता है जो मेरे बैक में है, बैकिंग में है, उसके ये सारे मैसेज हैं, उसकी ये वाणी है, हमारा उसका कुछ एग्रीमेंट है, वो हमें जो बोलती है हम आप पहुंचा देते हैं। इसलिए कृपया कोई बात हो हम पर गुस्सा नहीं करें, हम तो अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई बुरी बात हम कहते नहीं। उसने कहा ध्यान से जल्दी मुझे सुनो। ध्यान से क्यों सुनो? उसने कहा कि ध्यान से जल्दी मुझे सुनने से, इस वाणी को सुनने से आप लोग मालामाल हो सकते हैं। पता नहीं किस पर मेरी नज़र पड़ जाए और मैं किसको पिकअप कर लूं और किसको कहां पहुंचा दूं, क्योंकि मैं भारत का बादशाह हूं। वह कोई देवी सत्ता बोलती है। देखो काशीराम साहब की नज़र क्या एक लड़की पर पड़ गई। वो उसके पापा के पास गए कि भाई मुझे तुम्हारी लड़की चाहिए पॉलिटिक्स में, और जो 4 बार तो मुख्यमंत्री रही है। देखो रसोई बनाने वाली उस औरत को देखो जो इंदिरा गांधी का खाना बनाती थी, उसकी नज़र पड़ी, उसको पहले MLA का टिकट दिया, उसके बाद वो भी राष्ट्रपति बन गई। पता नहीं आपको मेरे द्वारा कितना भी बड़ा फायदा हो सकता है, उस देवी सत्ता ने कहा है, यदि तुम इस वाणी को सुनोगे तो। इसलिए जल्दी सुन लो, ध्यान से सुन लो, जल्दी इसको सब तक पहुंचा दो, जब तक जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी सारी चीज़ों को पढ़ जाओ, क्योंकि ये दुनिया यहाँ तो कर्म का फल है, इधर करो इधर पाओ। कर्म के अलावा भी बहुत सी चीज़ें मान लिया, लेकिन ये कर्म का फल है। इस आवाज़ में दम होगा, ये आवाज़ कोई शक्ति की आवाज़ है। आप बहुत सी चीज़ों से यह टेस्ट करोगे। इस चैनल पर जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, जो आशंकाएँ प्रदर्शित करी गई हैं, या जो भी करने के लिए बोला गया है, वो सारा होने वाला है। तब समझ जाना कि इस आवाज़ की बैकिंग में कोई एक महासत्ता है जो ये सब संभव कराती जा रही है। दूसरे नंबर पर देखिए, पहला आपने देखा ध्यान से सुनो जल्दी सुनो, आप फायदे में रहेंगे। दूसरे नंबर पर देखिए, मोदी साहेब भागवत एंड कंपनी, यानी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या ये बड़े बड़े उद्योगपति, ये पूरी कंपनी में जो भी शामिल हैं, देश की जनता को धोखा देने में, चीट करने में जो शामिल हैं, ये मनुवादी लोग हैं या जो भी लोग हैं, इन सब के बुरे दिन आने वाले हैं, सब में भगदड़ मचने वाली है, नोट करो। ये मैं बार बार कहता भी आया हूँ, इतनी भगदड़ मचेगी, ऐसा बाबेला मचेगा कि इन लोगों को अपनी प्राण रक्षा के लिए जहाँ मेरे से ही कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी।
दस दस रुपये नगद पैसे दे करके, यद्यपि मैं किसी से पैसे नहीं लेता और उधार दे देता हूँ कंसल्टेशन, लेकिन ये लोग दस दस रुपये मुझे देकर अपने प्राणों की रक्षा के उपाय पूछेंगे। ये उधम मचाते लोग हैं, इनमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये अपने एक फुट आगे दूर भी नहीं देख सकते कि इसका अर्थ क्या है, आगे क्या होगा। ये पूरे देश की 135 करोड़ जनता को आफत में डालने वाले हैं, आफत में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं डालने दूंगा। और भी बहुत सी बातें सिद्ध होंगी। देखिए तीसरे नंबर की बात, ये लोग अपने इन सब लोगों की पोल पट्टी निकलने वाली है। यदि ये मेरी बात सत्य सिद्ध होती हैं तो मुझे तुम मानना, नहीं तो मत मानना। ये लोग सब चक्कर में आने वाले हैं। और ये NRC NPR ये क्या कर रहे हैं? ये सारे देश के लोगों को 130-135 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोगों को चक्कर में लेने वाले हैं, उनके गले में पट्टा बांधने वाले हैं, उनके गले में फंदा डालने वाले हैं, उनको पिंजरे में बंद करने का इनका इरादा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इनका विचार है कि अपने अपने लोगों को, मतलब मनुवादी जातियों को, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इन मुसलमानों को, मोहम्मदन को, दलित को चक्कर में लो, उसके बाद में OBC को ले लेना, फिर अपन राज्य करेंगे। तो सुनो, ये लोग बेअकली लोग हैं, यह सबको आपस में डाल रहे हैं। मुझे सबसे प्यार है, इसलिए मैं क्लियर कह सकता हूँ कि आपको लग रहा है कि समाज का गरीब वर्ग, ये उपेक्षित वर्ग, ये बेचारे दलित, भंगी, चमार, कंजर, आदिवासी, यायावर जातियाँ, ये मोमडन चक्कर में आएंगे। इनको ये पता नहीं है कि धीरे धीरे ये अजगर किनको अपनी कुंडली में ले रहा है, और उनका नाम है देश के बढ़िया ब्राह्मण। मैं ये शब्द कोई धमकी से नहीं कह रहा, मेरे दिल में सचमुच में सबको प्यार है, और यदि मेरी आवाज़ सुनी गई तो ये लोग चक्कर से बच जाएंगे। वरना मेरे शब्दों को याद रखना कि आज जो मॉब लिंचिंग कर रहे हो, आज जो हूटिंग कर रहे हो, आज जो किसी की बरात के साथ, किसी की टोपी के साथ, किसी की जाति के साथ ये कर रहे हो, ये सब आप लोगों के साथ होने वाली है, अवश्य होंगी। लिख लो। इसलिए सुनो, मैं षड्यंत्र हूँ, मैं ईश्वरपुत्र हूँ, मैं भारत का बादशाह हूँ, और अब यहाँ वही होता जाएगा और हो रहा है जो मैं चाहता हूँ। यह स्पीकर नहीं, इसके बैकिंग में जो परम सत्ता है, जो छिपी बैठी है, जो किसी को भी नॉमिनेट करेगी कि दिस मैन विल बिकम द ग्रेट सायरन ऑफ इंडिया, ये उसी का प्रोग्राम है, ये उसी की वाणी है, उसी का दिया हुआ है, जो ये बताता है, सिंपल सा है, सिंपल से पॉइंट्स हैं। लेकिन देश तो इसी से आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि आसपास के सारे लोग कहेंगे कि भाई दे, आपका मैनेजमेंट हमारे यहाँ भी अप्लाई करो, हमारा भी उद्धार हो जाए। ऐसे चमत्कारी काम होंगे जिनका कोई पारावार नहीं। मुझे ये घोषित करने में कोई शर्म नहीं, मुझे मतलब मैं बोलने वाला नहीं, ये उसकी आवाज़ है, वो बोल रहा है, मैं तो उसका एक स्पीकर हूँ। जल्दी नोट कर लो, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।